कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साम्यावस्था इक्विलिब्रियम। क्या है इक्विलिब्रियम, इसको देखते हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के आरंभिक अवस्था में केवल अभिकारक उपस्थित होता है, परंतु अभिक्रिया आगे बढ़ती है तो अभिकारक का सांद्रण घटता है और उत्पाद का सांद्रण बढ़ने लगता है। अंततः एक ऐसी अवस्था आती है जब अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रण में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इस अवस्था में अभिकारक तथा उत्पाद के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है तथा अभिक्रिया रुकी सी महसूस होती है। इस अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं। आपने देखा होगा किसी अभिक्रिया को, जैसे कि यहाँ पे है CaCO3 को हीट कर रहे हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना रही है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है इसको देखिएगा। देखो ये क्या है, आपका अभिकारक है और यहाँ पे जो बन रहा है CaO और CO2, ये दोनों क्या है, आपके उत्पाद हैं। तो प्रारंभ में क्या होगा, CaCO3 की मात्रा जो है अधिक होगी, मतलब CaCO3 का सांद्रण अधिक होगा। लेकिन जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, इसका सांद्रण, इसकी मात्रा कम होने लगेगी और जो उत्पाद है उसकी मात्रा बनने लगेगी। तो इस अभिक्रिया को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि एक स्थिति ऐसी होती है जब अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रण, दोनों की मात्रा क्या होती है, समान होती है। दोनों की मात्रा क्या होती है, समान होती है। तो इस स्थिति में हमें ऐसे लगता है कि अभिक्रिया क्या है, रुक गई है, पर एक्चुअल में क्या होती है, वो चल रही होती है। वहाँ पे होता क्या है, CaCO3 से CO का निर्माण होता है और ये ऐसा करके ये फिर से दोनों दिशा में चलती रहती है। यहाँ पे तो अनुत्क्रमणी, यहाँ पे एक ही दिशा में चल रही है, यहाँ पे एक ही दिशा में तीर का निशान है, मतलब एक ही दिशा में चल रही है। बट अगर दोनों दिशा में, दोनों तरफ तीर का निशान होता तो वो अभिक्रिया दोनों तरफ चलती। तो देखते हैं ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में चलती है तथा लगभग समाप्त होने की ओर बढ़ती है, उन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जो अग्र तथा प्रति दोनों दिशा में चलती हैं उत्क्रमणीय या साम्य अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पे CaCO3 को गर्म कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना रहा है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए गैस बना है, गैस, तो जैसे ही आप ये अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन जाएगा, तो CO2 कुछ समय के पश्चात उड़ जाएगा। तो इसी कारण क्या होता है, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये सिर्फ एक दिशा में बनेगी। CaCO3 को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा और CO2 बना लेगा। उसके पश्चात ये दोनों जुट करके फिर से CO3 नहीं बना सकते, मतलब ये एक दिशा में हो रही है, अभिकारक से उत्पाद ही बना रहे हैं। तो ये हो गई आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो एक ही दिशा में चलती है। ये क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। लेकिन कुछ अभिक्रिया ऐसी होती जो दोनों दिशा में चलती है, उसे हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग, ये है N2 और H2 जुड़ रहे हैं और अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहले वाले अभिक्रिया में देखिए हम लोग एक ही तीर का निशान था ऐसे, पर यहाँ पे देखिए दोनों तरफ तीर का निशान, इसका मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़कर अमोनिया बना रहे हैं और फिर से अमोनिया टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो ये दोनों दिशा में हो रही है, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से फिर अभिकारक। तो वे अभिक्रियाएं जो उत्क्रमणीय होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही साम्यावस्था का निर्माण होगा। देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ रहा है, अमोनिया का निर्माण हो रहा है, उसके बाद फिर से अमोनिया टूट रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है। तो इसी अभिक्रिया में साम्यावस्था का निर्माण होता है। अनुत्क्रमणीय जो अभिक्रिया होती है वो तो एक ही दिशा में चलती है, अभिकारक से उत्पाद बने उसके बाद समाप्त, तो वहाँ पर साम्यावस्था नहीं बनेगा। साम्यावस्था किस में बनेगा, इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में बनेगा, ठीक। उसके बाद आगे देखें तो साम्यावस्था एवं उसकी गतिशील प्रकृति, साम्यावस्था एवं उसकी गतिशील प्रकृति इसे देखते हैं। साम्यावस्था एक ऐसी स्थिति है जिसमें अभिकारकों व क्रियाफल, मतलब अभिकारक और प्रोडक्ट, उत्पाद के सांद्रण समय के साथ परिवर्तित नहीं होते, अर्थात सांद्रण क्या होते हैं, स्थिर हो जाते हैं। मोटे तौर पर कहें या फिर माइक्रोस्कोपिक स्तर पर साम्यावस्था के कुछ मापनीय गुण जैसे दाब, घनत्व, रंग, सांद्रण आदि तो स्थिर हो जाते हैं, परंतु सूक्ष्म स्तर पर या आणविक स्तर पर यह गतिमान होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि साम्यावस्था में सांद्रण स्थिर होने के बावजूद
अग्र व प्रति अभिक्रियाएँ होती रहती हैं। इसका मतलब ये है कि साम्यावस्था में सांद्रण क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, लेकिन फिर भी अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक, ये क्या होते हैं, बनते रहते हैं। एक तरीके से ये कहा, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि साम्यावस्था क्या होते हैं, गतिशील नहीं होती है, स्थिर अवस्था होती है, क्योंकि दोनों का सांद्रण स्थिर हो जाता है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सांद्र अवस्था में अग्र और प्रतीप, अग्र मतलब अभिकारक, अभिकारक जो है उत्पाद बनाएगा वो अग्र अभिक्रिया, और उत्पाद से फिर अभिकारक में टूट रहा है तो वो हो गए आपकी प्रति अभिक्रिया। तो फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड, फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड दोनों अभिक्रिया होती रहती है। तो इसका मतलब दोनों दोनों तरफ से यहाँ पे बोला जा रहा है ना। इस स्थिति में दोनों तरफ की अभिक्रिया की दर क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, अब यहाँ पर बात स्पष्ट हो गया। साम्यावस्था क्या होती है, स्थिर अवस्था नहीं होती है, इसमें अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों चलती रहती है, पर दोनों के चलने की दर क्या होती है, समान होती है। देखो, जितनी मात्रा में अभिकारक जो है उत्पाद बनाएगा, जितनी मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ करके अमोनिया बनाएंगे, उतनी ही मात्रा में अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में टूटेगा। ठीक, अब यहाँ पे बात स्पष्ट हो गई कि साम्यावस्था में क्या होती है, साम्यावस्था ऐसी अवस्था नहीं जो रुकी हुई रहती है, स्थिर हो गई है, ऐसा हम लोग नहीं कहेंगे। साम्यावस्था चलती रहती है, पर दोनों के चलने की दर, दोनों तरफ चलने की दर क्या होती है, समान होती है। जितना गति से इधर की तरफ चलेगा, जितना गति से वो अमोनिया का निर्माण करेगा, उतना ही गति से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटेगा भी। तो इस तरीके से दोनों तरफ उसके चलने की दर क्या होती है, समान होती है। अतः यह स्पष्टता है कि साम्यावस्था स्थिर नहीं बल्कि गतिशील अवस्था है। अभिकारकों का सांद्रण स्थिर इसलिए रहता है कि कोई अभिकारक जिस गति में प्रयुक्त होता है उसी गति से प्राप्त भी होता है, कोई अभिकारक जिस गति से उत्पाद बनाता है उसी गति से उत्पाद अभिकारक भी बनाता है। तो इसी कारण हमें ये लगता है कि साम्यावस्था क्या है, एक स्थिर अवस्था है, बट साम्यावस्था स्थिर अवस्था ना होकर के क्या है, गतिशील अवस्था है। ठीक, उसके बाद है भौतिक परिवर्तनों में साम्य। यद्यपि यहाँ इस अध्याय के अंतर्गत हम रासायनिक साम्यों पर ही अधिक विचार करेंगे, परंतु साम्यावस्था को भौतिक प्रक्रमों में भी आसानी से समझा जा सकता है। कुछ उपयोगी भौतिक साम्य हैं, ठोस द्रव साम्यावस्था, द्रव गैस साम्यावस्था, ठोस गैस साम्यावस्था। यहाँ पे आप साम्यावस्था को स्पष्ट अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। साम्यावस्था क्या है, साम्यावस्था एक्चुअल में होती क्या है, मान लेते हैं एक यहाँ पे क्या है आपका, एक बीकर है जो ऊपर से क्या है, बंद है। ये बीकर जो है एक दूसरे बीकर से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक, मान लेते हैं पहले वाले बीकर में पानी क्या है, फुली तरीके से भरा हुआ है। ठीक, यहाँ पे साम्यावस्था को समझ रहे हैं हम लोग, और ये क्या है, खाली है। तो जब हम लोग इस दोनों बीकर को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें का पानी इसमें जाएगा, है ना, इसमें का पानी यहाँ इसमें जाएगा, और ये तब तक जाएगा जब तक कि दोनों में पानी की मात्रा क्या है, समान नहीं हो जाती। तब तक जाएगा जब तक दोनों में पानी की मात्रा समान नहीं होती। जब दोनों में पानी की मात्रा समान हो जाएगी तब हमें ये प्रतीत होगा कि ना तो पानी इसमें जा रहा है और ना ही इसमें का पानी इसमें जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर सूक्ष्म तरीके से देखें तो इसमें का पानी इसमें भी जा रहा होता है और यहाँ का पानी इसमें भी आ रहा होता है। ठीक, तो यहाँ पे पानी दोनों तरीके से जा रहा है, पानी इसमें भी जा रहा है और इसमें का पानी इसमें आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभिक्रिया, यहाँ पे पानी दोनों दिशा में जा रहा है। तो ऐसा हम लोग इसी उदाहरण को हम लोग इसमें भी देख सकते हैं कि अभिक्रिया क्या होती है, दोनों दिशा में होती है। ए और बी मिल करके सी बना रहे हैं और सी जो है टूट करके फिर से ए और बी बना रहा है, है ना। तो जब ए और बी के जुड़ने की मात्रा और सी के टूटने की मात्रा समान हो जाएगी तब कहेंगे कि साम्यावस्था आ गई है, तब क्या कहेंगे, साम्यावस्था स्थापित हो गई है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे भौतिक परिवर्तनों में साम्य को, मतलब ठोस द्रव साम्यावस्था, द्रव गैस साम्यावस्था, ठोस और गैस साम्यावस्था। तो इसमें अलग अलग स्टेट के बीच, अलग अलग जो स्टेट उनके बीच साम्यावस्था दिखाया जाएगा, अलग अलग अवस्था में साम्यावस्था किस तरीके से होती है ना।
तो देखते हैं ठोस द्रव साम्य अवस्था। ठोस का द्रव में परिवर्तन संलयन या गलन की प्रक्रिया कहलाती है ना। ठोस का द्रव में परिवर्तन जो होती है फ्यूजन या फिर मेल्टिंग कहलाती है। जब ठोस जो होते हैं द्रव में कन्वर्ट होते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संलयन या गलन कहते हैं। यह प्रक्रिया जिस ताप पर होती है, मतलब ठोस जो है जिस ताप पर द्रव में परिवर्तित होता है, वह ठोस का गलनांक या ठोस का द्रवणांक कहलाता है। ठोस जिस ताप पर द्रव में परिवर्तित होता है वह ताप ठोस का गलनांक या फिर ठोस का द्रवणांक कहलाता है। इससे उल्टी प्रक्रिया, मतलब द्रव का ठोस में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग या फिर जमना कहते हैं। जब द्रव जो होती है ठोस में परिवर्तित होती है, तो उसे हम लोग फ्रीजिंग या फिर जमना कहेंगे। या फिर उस ताप को जिस ताप पर द्रव जो होती है ठोस में क्या होती है, जम जाती है, उसे क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हिमांक। तो प्रत्येक ठोस द्रव निकाय हेतु गलनांक या हिमांक विशिष्ट होता है। प्रत्येक ठोस और द्रव के जो गलनांक और हिमांक होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं तथा उस निकाय के लिए समान होते हैं। अतः एक वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर ठोस या द्रव दोनों अवस्था क्या होती है, साम्यावस्था पर होती है। एक वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस ताप पर ठोस और द्रव दोनों क्या होती है, साम्यावस्था पर होती है, शुद्ध पदार्थ का गलनांक या हिमांक कहलाती है। ठीक, उदाहरण में देखें तो जल निकाय में यह ताप एक वायुमंडलीय ताप मतलब 273 केल्विन ताप है, जिस पर ठोस मतलब बर्फ व पानी दोनों साम्यावस्था पर उपस्थित रहती है। बर्फ और जल दोनों साम्यावस्था पर 273 केल्विन पर उपस्थित रहती है, बैलेंस्ड रहती है। जब तक ताप व दाब स्थिर रहते हैं तथा वातावरण से कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, साम्यावस्था में दोनों प्रवस्थाएँ उपस्थित रहती है। इस अवस्था में बर्फ व जल की मात्रा स्थिर रहती है। यद्यपि बर्फ के अणुओं का जल में तथा जल के अणु का बर्फ में परिवर्तन लगातार चलता रहता है, मतलब ये बोला जा रहा है कि 273 केल्विन ताप पर बर्फ और जल एक दूसरे से साम्यावस्था में रहती है, पर ऐसा नहीं है साम्यावस्था में है इसका मतलब ये नहीं है कि अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। बर्फ जल में बदलता रहेगा और जल बर्फ में भी बदलता रहेगा। उसी तरह कैसे यहाँ पे गलनांक या हिमांक में क्या होता है, ठोस द्रव बनाता रहेगा, ठोस द्रव गलता रहेगा और द्रव बनाता रहेगा, उसी तरह से द्रव हिमांक मतलब ठोस बनाता रहेगा। साम्यावस्था में दोनों दिशाओं में चलती रहती है अभिक्रिया। ठीक, तो ठोस द्रव साम्यावस्था में क्या होता है, ठोस द्रव बनता रहता है और द्रव ठोस बनता रहता है और दोनों एक दूसरे से साम्य में होते हैं। उसके बाद आगे है आपका द्रव गैस साम्यावस्था। तो द्रव गैस साम्यावस्था को निम्न मतलब आगे जो चित्र दिया गया है उसके द्वारा हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। कमरे के ताप पर कुछ जल की मात्रा एक पात्र में ली जाती है जो कि मैनोमीटर से जुड़ा होता है। मैनोमीटर आपको वाष्प दाब बताएगा कि वाष्प दाब कितना है। ठीक, तो कमरे के ताप पर कुछ जल की मात्रा एक पात्र में ली जाती है जो कि मैनोमीटर से जुड़ा हुआ होता है। पात्र में रखे जल का वाष्पन होता है। जैसे जैसे वाष्पन आगे बढ़ता है, मतलब वाष्पन का मतलब जो द्रव होते हैं वो गैस में कन्वर्ट होते जाते हैं, है ना। तो जैसे जैसे वाष्पन आगे बढ़ता है नली के अंदर का वाष्प दाब बढ़ता जाता है, जो मैनोमीटर में पारे की बढ़ी हुई सतह से पढ़ा जा सकता है। कुछ समय पश्चात इसका मान स्थिर हो जाता है। मतलब क्या होता है, पहले जो होता है वाष्प दाब बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, उसके बाद कुछ समय पश्चात वो स्थिर हो जाता है। तो जल के वाष्पन व वाष्प के संघनन के बीच साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। इसका मतलब ये है, तो इसको चित्र से समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक पात्र है जिसमें हम लोग क्या किए हैं, द्रव को भर दिए हैं और ये आपका मैनोमीटर से जुड़ा हुआ है। मैनोमीटर आपको वाष्प दाब को बताएगा क्या होता है उसके पश्चात जैसे गर्म करते हैं तो जो द्रव होता है वो गैस में कन्वर्ट होना चालू करता है, है ना। द्रव जो होते हैं गैस में कन्वर्ट होते हैं, गर्म करेंगे तो यहाँ पे गैस बनते रहते हैं, वाष्प बनते रहते हैं। जैसे वाष्प बनते हैं यहाँ पे वाष्प दाब बढ़ता जाता है। कुछ समय पश्चात क्या होता है, ये वाष्प दाब रुक जाता है, ना तो बढ़ता है और ना ही कम होता है।
इसका मतलब ये है कि प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में जो द्रव होते हैं वो वाष्प बनाते रहते हैं, वाष्प, जिसके कारण वाष्प दाब बढ़ते जाता है। कुछ समय पश्चात इन द्रव के वाष्प में बदलने की दर और इन वाष्प के आपस में जुड़ करके फिर से द्रव बनाने की दर क्या हो जाती है, समान हो जाती है। मतलब ये जो द्रव होते हैं वे वाष्प बनाते रहते हैं और जब साम्यावस्था होती है तब ये वाष्प आपस में जुड़ करके फिर से क्या होते हैं, द्रव बनाते हैं। तो जब दोनों की दर समान होगी तब क्या होती है, साम्यावस्था होती है, जिसे हम लोग द्रव और गैस साम्यावस्था कहेंगे, है ना। क्या होता है, जो द्रव जो होते हैं वाष्प में कन्वर्ट होते रहते हैं, पहले किसमें, वाष्प में, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय पश्चात ये जो वाष्प होते हैं ये भी जुड़ने लगते हैं और फिर से द्रव बनाने लगते हैं। तो यहाँ पे द्रव वाष्प में टूटता है और वाष्प जुड़ करके द्रव बनाते हैं, मतलब दोनों दिशा में अभिक्रिया हो रही है। द्रव क्या है, वाष्प बना रहे हैं, है ना, द्रव क्या है, वाष्प बना रहे हैं और वाष्प फिर से क्या बना रही है, द्रव बना रही है। तो दोनों दिशा में हो रही है तो साम्यावस्था आएगा, साम्यावस्था आ जाती है, ठीक। तो इसे हम लोग कहेंगे द्रव और वाष्प साम्यावस्था। उसके बाद क्या है, ठोस गैस साम्यावस्था। जब ठोस बिना द्रव अवस्था में आए सीधे वाष्प में उधर्वपातित हो जाता है तो ठोस गैस साम्यावस्था प्रदर्शित होती है। जब ठोस जो होता है बिना द्रव में बदले सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे ठोस गैस साम्यावस्था, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उधर्वपातन कहेंगे। जब ठोस द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में या फिर वाष्प में परिवर्तित होता है तो उसे हम लोग उधर्वपातन कहते हैं। जैसे NH4Cl, कपूर, आयोडीन आदि उधर्वपातित होने वाले ठोस हैं। कपूर को हम लोग गर्म करते हैं तो वो सीधे वाष्प, मतलब सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है। आपने कभी जलाया होगा तो नोटिस किया होगा कि कपूर को जब हम लोग जलाते हैं तो सीधे क्या, किस में, द्रव में ना आकर के सीधे गैस में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, जब एक बंद नलिका में ठोस आयोडीन को रख कर इसे गर्म किया जाता है तो आयोडीन वाष्प के रूप में उधर्वपातित हो जाती है, ठीक। एक पात्र लिए हैं जिसमें आयोडीन को रखे हैं और उसको गर्म करते हैं, तो जैसे ही गर्म करते हैं तो आयोडीन जो होती है पूरे पात्र को कौन से कलर का बना देती है, बैंगनी रंग का बना देती है, है ना, मतलब बैंगनी रंग के वाष्प से भर देती है तथा समय के साथ साथ रंग की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। कुछ समय पश्चात रंग की तीव्रता का बढ़ना रुक जाता है तथा यह स्थिर हो जाती है। प्रारंभ में क्या होती है, बैंगनी रंग क्या होती है, बढ़ती जाती है, लेकिन कुछ समय पश्चात जो रंग का बढ़ना है, बैंगनी रंग का बढ़ना, वो रुक जाती है और स्थिर हो जाती है। तब हम लोग कहते हैं कि वो साम्य स्थापित कर चुकी है, मतलब ठोस जो है वाष्प बना रही है, वाष्प से फिर से वो वाष्प जुड़ करके ठोस बना रही है। तो इसी कारण क्या होता है, जो रंग की तीव्रता का बढ़ना था वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक।